तो गाइज वीडियो बनाते बनाते टाइम का कोई पता हो नहीं चला, अब बस छूट गया। अब हमें जाना है घूमने, अब हमें ऑटो बुक करना पड़ेगा। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे फलूदा पी लेते हैं, और ये दुकान रहा दोस्तों, गाड़ी को कैसा दुकान बना दिया ट्रैवल वाला, घूम घूम के कहीं जगह पे आप लोग अपना दुकान लगा सकते हो। अब कितना लेता है रेट, 40 रुपये बता रहे हैं। और अभी हम लोग जस्ट यहाँ पार्क से बाहर निकले हुए हैं, जसपुर का पार्क है ये, छोटा सा काफ़ी ब्यूटी है इसको तो रहे। हम लोग क्या बोलते हैं झारखंड में लस्सी बोलते हैं। अभी हमारे सुरेश भाई हमें फलूदा पिला रहे हैं, पहली बार मैं पी रहा हूँ। अरे तुम तो छोटा सा गिलास ही पी रहा है, मेरा को मांगेंगे ना? मेरा जितना पिएगा दे देंगे। तो गाइज ये रहा फलूदा, जसपुर का फलूदा, यार कितना मस्त लगा यार, लगा ना। और कल आएंगे झारखंड से पीने के लिए, उधर नहीं मिलता है। कैसे मिल गया? बड़ी टेस्टी लगा, लगता है मुझे बार बार यहाँ आना पड़ेगा फलूदा पीने के लिए। तो गाइस ज़िंदगी में पहली बार मैं अभी फलूदा पी रहा हूँ होलसेलर। तो गाइस अभी घूमते घूमते पता नहीं कहाँ पहुँच गए। अब यहाँ का नज़ारा देखिए, आप लोग शायद इधर के होंगे तो आपको पता है, मैं तो फर्स्ट बार जसपुर आया हूँ, तो मुझे यहाँ का कहीं का जगह के बारे में कुछ मालूम नहीं है। बस घूम रहा हूँ और यहाँ का लोकेशन का थोड़ा सा मज़ा ले रहा हूँ। कहाँ मार्केट लगता है भाई? इधर भीड़ बड़ा कहीं जाता है। अच्छा, और यहाँ पे चौराहा जैसा बड़ा सा है, और देखिए गाइज यहाँ काफ़ी खूबसूरत जगह है। इतना भीड़ भड़का आज नहीं है, मार्केट का दिन में ज़्यादा भीड़ भड़का रहता है, बोल रहे हैं ये हमारे हीरा भाई चौराहा है, इसलिए हमेशा यहाँ चारों तरफ लोगों का आना जाना रहता ही है। चारों तरफ किनार किनार मार्केट दुकान लगा हुआ है। और यहाँ मार्केट लगी है, क्या चीज़ का है। और गए जब हम लोग बस स्टैंड पहुंच गए घूमते घूमते, यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। दोबे गो देखुंडा वाला बस को पकड़ना होगा, छूट गया तो गया हम लोग भाड़ में। गुमला है रांची से रायपुर, गुमला बस शीशा है गुमला ही तो रायपुर रायपुर जाना ना। हाँ ब्लॉगिंग हो रहा है, हाँ तो भाई अभी हम लोग बस स्टैंड में हैं, और अभी हम लोग गुमला जाने के लिए बस चूज़ कर रहे हैं कौन सा गुमला हमें ले जाएगी। और इधर देख सकते हैं ये वाला हमें गुमला ले जाएगी रांची से रायपुर, सिसाई गुमला जसपुर और कुनकुरी रांची से। और इधर गुप्ता बस आई है आपका, और ये हमारे कंडक्टर जी यार, ये रांची से था वो रायपुर। ब्लॉगिंग यूट्यूबर, हाँ हाँ आज का वीडियो यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर जानते हैं। अच्छा अंकल जी पूछ रहे हैं क्या चीज़ का वीडियो बना रहे हैं, तो यूट्यूबर हैं, मैं बोल दिया। रात में यहीं मिलेंगे, रात में कितना बजे? एक बजे चालू हुआ, एक बजे। गाइस हम लोगों का पोपट हो गया है, हम लोग का बस उस छूट गया, तो अब हमें ऑटो से जाना पड़ेगा गुमला। बोल रहे हैं कि 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से माजा टोली तक जाने में। अब देखते हैं ऑटो ऑटो मिलेगा तो अब साथ में ऑटो में जाना ही पड़ेगा, अब क्या करें, ऊपर तो हो ही गया। और ये रहा गाइस बस स्टैंड एंट्री द्वार,
और यहाँ लोगों का आना जाना देख ही रहे हैं आप लोग। बाबा ब्यूटीफुल शहर गाइस, जसपुर शहर। यहाँ ऑटो चालक लोगों का गाड़ियाँ मतलब स्टेशन है, वो लोग को अभी माजाटोली तक जाना है, वहाँ से बस हमें तो मिल ही जाएगी। सो ये गाँव ही सबका होगा ये सब। अब लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, ये भाई क्या करें, सैमसंग का ये मोबाइल दुकान। बस स्टैंड से बाहर निकल चुके हैं, ये रहा आपका बस स्टैंड और इन दोनों का पॉपअप हो गया, साथ में मेरा भी। पूरी बाबा तो गाइस वीडियो बनाते बनाते टाइम का कोई पता हो नहीं चला, अब बस छूट गया। अब हमें जाना है गुमला, अब हमें ऑटो बुक करना पड़ेगा या फिर ऑटो में बैठ के जाएंगे, अब देखते हैं अब कितना देर होता है। ऑटो तो पता करते हैं कौन वाला, तो ऑटो तो मिल गई, अब ऑटो में बैठना है।